दोस्तों 12 अक्टूबर 2023 और 15 तक क्वेश्चन हो चुके थे, यह हमारे सामने 16 क्वेश्चन है, तो स्टार्ट करते हैं। लिखा है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्सटीट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। तो सेंटेंस दिया हुआ है, इसमें अंडरलाइन सेगमेंट है, हम उस पर देखेंगे कि क्या सब्सटीट्यूशन हो सकता है। और चारों ही सब्सटीट्यूट है, यानी कि ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि नो सब्सटीट्यूशन इज रिक्वायर्ड, यानी कि कुछ ना कुछ गलती तो है। द साइंटिस्ट सेज, यानी कि वैज्ञानिक कहता है, मतलब किसी एक साइंटिस्ट की बात की जा रही सिंगुलर, इसलिए यहाँ पे वाई के साथ ऐसा लगा, यानी किसी के साथ ऐसे, यानी कि ये तो हो गया आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट। सेज व्हाइल द कंप्लीट कोर मेल्ट डाउन एट चेर्नोबिल, चेर्नोबिल आप गूगल करेंगे, ठीक है, तो एक यहाँ पे भी एक डिसास्टर हुई थी, जैसे कि भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, इन द सेम वे चेर्नोबिल में भी एक ऐसी आपदा हुई थी, वॉज अ मेजर डिसास्टर, ठीक है, डिसास्टर मीन्स आपदा। इट हैड फॉल फार शॉर्ट ऑफ कैटास्ट्रोप, मैनी न्यूक्लियर पावर क्रिटिक्स हैड फियर्ड द सो कॉल्ड चाइना सिंड्रोम। और जो चाइना सिंड्रोम है ये एक तरह का फिक्शनल ड्रामा है, ठीक है, जो इसी तरह की आपदाओं पर आधारित है, ठीक है, इसको भी आप गूगल करिएगा तो आपको काफ़ी डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अब बात आती है यहाँ पे क्या गलती है, ठीक है, अब यहाँ पे देखिए प्रेजेंट की बात हो रही है कि वैज्ञानिक कहते हैं कि, फिर उन्होंने एक पास्ट की बात रखी चेर्नोबिल के बारे में। अब चेर्नोबिल के, ठीक है, चेर्नोबिल के बारे में ही जब वो इट का यूज़ कर रहे हैं, यानी कि हम पास्ट की ही बात कर रहे हैं, ओके। अब सेंटेंस में जो लिखा हुआ है, जो अंडरलाइन सेगमेंट है, उसमें लिखा इट हैड फॉल, तो पहली बात तो ये गलत है क्योंकि हैड के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म यूज़ होती है, तो फाल फेल फालन फालन यूज़ होना चाहिए, वो तो यहाँ पे यूज़ हुआ नहीं और ना ही यहाँ पे कहीं पे हैड लगा, इसका मतलब है हैड फॉलन तो नहीं आएगा, ओके। अब क्योंकि यहाँ पे वॉज लगा है तो वॉज के बाद सेंटेंस जो है वो भी आपका पास्ट का ही रहेगा, तो पास्ट में कौन सा रहेगा, पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है, तो पास्ट इंडेफिनिट में फॉर्म कौन सी होती है, सेकेंड फॉर्म, क्योंकि ये सिंपल सेंटेंस है। चलिए देखते हैं पहला ऑप्शन, इट फेल फॉल फेल मच शॉर्ट ऑफ, तो यहाँ पे हम मच क्यों यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, हम अमाउंट नहीं बता रहे हैं किसी कैटास्ट्रोप की। अच्छा, फॉल फार शॉर्ट ऑफ का मतलब होता है कि उस मुकाम तक ना पहुँच पाना, फेल टू रीच, मतलब जो क्राइटेरिया होता है, मान लीजिए कुछ साइंटिस्ट ने कहा कि हमने एक, मान लीजिए किसी ने चाइना सिंड्रोम नाम का एक फिक्शनल ड्रामा बनाया, ठीक है, लेकिन वो उस हद तक नहीं पहुँच पाया जिस हद तक ये डिसास्टर रियल में इन्होंने जो आपदा ढाई थी, यानी कि इनकी वजह से जो परेशानियां हुई थी, उस हद तक कहीं ना कहीं ये चाइना सिंड्रोम नाम का फिक्शनल ड्रामा है वो वहाँ तक रीच नहीं किया, नहीं पहुँचा, ठीक है। इट हैड, तो अब यहाँ पे फेल मच शॉर्ट ऑफ नहीं आएगा, अब शॉर्टर हम नहीं किसी से कंपेयर कर रहे हैं, इट फेल फार शॉर्टर ऑफ द कैटास्ट्रोप, कैटास्ट्रोप का मतलब तबाही होता है, इट फेल फार अवे, अब दूर की बात कर दिया, ठीक है, तो तीनों ही अनरीजनेबल, यानी इससे मैच नहीं कर रहे हैं। अब चौथा ऑप्शन जो आपका इट फेल, ठीक है, तो पास्ट इंडेफिनिट फार शॉर्ट ऑफ, ठीक है, फार शॉर्ट ऑफ द कैटास्ट्रोप, तो यहाँ पे जो वर्ब थी उसका उसका ही थोड़ा सा चेंज होना था। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्सटीट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। नो सूनर हैड आई रीच द स्टेशन, नो सूनर के साथ और हार्डली के साथ, ये आपके कुछ प्रयोग हैं जो कि आपको थ्योरी में पढ़कर उसके अगर सेंटेंस आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छे से आने लगेगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, नो सूनर हैड आई रीच द स्टेशन, जैसे ही मैं स्टेशन पहुँचा, तो वैन मीन्स दो वर्ड होते हैं, एक होता है कब, एक होता है जब, ठीक है, तो जब ट्रेन चलना स्टार्ट कर दी, खुद सोचिए, मान लो हम अगर हम हिंदी में बोलें कि जैसे ही, ठीक है, मैं स्टेशन पहुंचा और जब ट्रेन चलने लगी, नहीं जब नहीं, ठीक है, सॉरी यहाँ पे, तो यहाँ पे दो वर्ड, एक आप नो सूनर देखेंगे और एक बार कभी आप देखेंगे हार्डली, हार्डली हैड आई रीच द स्टेशन वैन द ट्रेन स्टार्ट मूविंग, तो हार्डली के साथ हमेशा वैन का यूज़ होता है, ठीक है, कुछ यूजेज हैं जो कि पहले से ही फिक्स हैं कि इसके साथ इसका यूज़ करेंगे, और नो सूनर के साथ होता है दैन का प्रयोग, ठीक है, नो सूनर, ध्यान दीजिए, देखो यहाँ पे ईआर लगा, ऐसे आप याद कर सकते हो, कंपेरेटिव डिग्री में लगाते हैं ना ईआर, और जब भी कंपेरेटिव डिग्री होती है तो यहाँ पे दैन लगाते हैं, तो खैर यहाँ पे हम किसी से कंपेयर नहीं कर रहे, बट आपको याद रखना होगा नो सूनर के साथ किसका यूज होता है, दैन का, नो सूनर हैड आई रीच द स्टेशन, ठीक है, दैन द ट्रेन स्टार्टेड, दैन द ट्रेन, दैन नहीं, दैन ये वाला दैन नहीं, ये तो तब होता दैन, दैन द ट्रेन स्टार्टेड मूविंग, और अगर यहाँ पे होता हार्डली हैड आई रीच्ड द स्टेशन व्हेन द ट्रेन स्टार्टेड मूविंग, तो हार्डली के साथ वैन, नो सूनर के साथ दैन, ये वाला, तो अगर यहाँ पे हार्डली होता तो आप ये वाला लगा सकते थे, नहीं नहीं तो स्टार्ट मूविंग नहीं होगा, द ट्रेन स्टार्टेड मूविंग, ठीक है, यहाँ पे हैड का यूज़ हो रहा, तो यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट का होगा, तो अगर यहाँ पे हार्डली का यूज़ होता तो आप यहाँ पे क्या करते, व्हेन द ट्रेन हैड स्टार्टेड मूविंग, नो व्हेन द ट्रेन है ही नहीं ऑप्शन एक्चुअली में, व्हेन द ट्रेन स्टार्टेड मूविंग, ठीक है, तो याद रखिएगा नो सूनर के साथ दैन, हार्डली साथ वैन, तो प्रैक्टिस करने के साथ साथ आप लोग बुक भी पढ़िए, ठीक है, मैंने बताया था मैडम की बहुत अच्छी नहीं थी, मैडम की दोनों बुक बहुत अच्छी हैं, इसके अलावा भी अगर आपको आपके आसपास कोई पढ़ रहा है उसको लगता है वो बेटर है तो आप कोई भी लीजिए, बट थ्योरी जरूर पढ़िए। चलिए
फिर अगला 18वां क्वेश्चन है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन सब्सटीट्यूट द अंडरलाइन वर्ड सेगमेंट विद द मोस्ट एप्रोप्रिएट ईडियम। वाह क्या बात है, मतलब हमें सब्सटीट्यूट करना है वो भी किससे, किसी ईडियम से। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन दिए गए हैं डेनिम जैकेट्स, तो सभी जानते हैं डेनिम जैकेट क्या होती है, ठीक है, कुछ लोगों ने पहनी भी होगी। डेनिम जैकेट्स आर, चलिए ध्यान दीजिए, आप देखिए यहाँ पे जैकेट्स लिखा इसलिए आर का यूज़ हो रहा है, ठीक है। अब किसी एक जैकेट के बारे में तो बात नहीं की जाएगी, कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पे जैकेट्स इसलिए आ रहे हैं। डेनिम जैकेट्स आर इन फैशन दिस डेज, तो फैशन में है, तो उसी के लिए हम कौन सा और एक और वर्ड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन इन अ नटशेल, इन अ नटशेल मतलब संक्षेप में, इन लियो ऑफ, इन हैंड, इन हैंड मतलब आसानी से जो मिल जाए, इन लियो ऑफ मतलब मुझे नहीं पता, आप गूगल करके प्लीज़ छोड़ी लीजिएगा। इन वोग, तो वोग का मतलब होता है प्रचलन, ठीक है, वोग मीन्स प्रचलन, तो प्रचलन में यानी कि फैशन में है, तो ये आपको हो जाएगा इस तरह का सिनोनिम हो जाएगा। अब आगे हम चलते हैं, प्लीज़ इन लियो ऑफ का मतलब ढूंढें गूगल में और मुझे कमेंट जरूर करें, मुझे तो लगना चाहिए ना, आप लोग भी थोड़ा मेहनत कर रहे हैं। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड ब्रेव मीन्स बहादुर, ठीक है। अब बहादुर का विलोम क्या होगा, मूविंग मतलब मूव कर रहा, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। फियरलेस मतलब जो ना डरे, ओके, तो ब्रेव यानी कि फियरलेस तो सिनोनिम तो होगा, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा गया है, एंटोनिम, तो जल्दबाजी में कभी कभी हम यही गलतियाँ करते हैं, ठीक है, तो सिनोनिम नहीं पूछा गया है, एंटोनिम पूछा गया, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। कवर्ड, कवर्ड मीन्स डरपोक, भीरू एक वर्ड होता है ना, भीरू। एडल्ट्रस, एडल्ट्रस मतलब यहाँ पे क्या होगा, ठीक है, जो ब्रेव हो, ठीक है। अब आगे हम चलते हैं, इसका मतलब समझ में आ गया आपको, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, दे हैव बिल्ट, हैव याद रखिएगा आपकी वर्ब है ये, दे हैव बिल्ट अ न्यू ब्रिज अक्रॉस द रिवर। कभी भी अगर आपका प्रीपोजिशन पूछा जाए ना, डैश रिवर ब्रिज, तो ब्रिज हमेशा अक्रॉस द रिवर बनाए जाते हैं। अक्रॉस मीन्स अगर ये नदी है तो यहाँ से लेके ब्रिज यहाँ जाएगा, ओके, ऐसा नहीं यहीं बीच में बना दिया, ऑन द रिवर नहीं होता, इन द रिवर नहीं होता है। चलिए तो यहाँ पे हैव है, तो क्या बनाया गया, अ न्यू ब्रिज, दे हैव बिल्ट अ न्यू ब्रिज अक्रॉस द रिवर, तो आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा अ न्यू ब्रिज, दे हैव, अब यहाँ दे हैव से स्टार्ट होता है, ये तो हो ही नहीं सकता, अ न्यू ब्रिज, ओके, हैज़ बीन बिल्कुल सही, बिल्डिंग नहीं, क्योंकि हमेशा पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म यूज़ होती है, तो आपका सेकंड गलत हो जाएगा। अ न्यू ब्रिज विल हैव, तो विल हैव नहीं, हैव के साथ हैव बीन, अब क्योंकि ब्रिज सिंगुलर है तो हैज़ बीन का यूज़ होगा, ठीक है, तो आपका विल का यूज़ नहीं होगा। अब आगे देखते हैं, अ न्यू ब्रिज हैज़ बीन बिल्कुल सही बिल्ट थर्ड फॉर्म अक्रॉस द रिवर बाय देम, उनके द्वारा नदी पर एक पुल बनाया गया। नेक्स्ट है हमारा, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्सटीट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस अनलेस, जब तक कि, अनलेस का मतलब जब तक कि यू डोंट आंसर माई क्वेश्चन, जब तक कि तुम मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं दोगे, आई विल नॉट लीव, मैं नहीं जाऊँगा। अब हमें इसमें क्या करना है, इसमें हमें सब्सटीट्यूट करना था, ठीक है, ओके, अब हमें ये सोचना है कि इनमें से क्या होगा और क्या नहीं होना चाहिए। द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन ईडियम इन द फॉलोइंग सेंटेंस, मुझे लग रहा है इससे मैंने ऊपर वाला स्किप कर दिया है, क्योंकि मुझे बीच में पॉज करना पड़ता है, मैं रिपीट करते रही हूँ, अगर एक बार और हो गया तो प्लीज़ डोंट माइंड। पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैव बीन गिवन एज ऑप्शन, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेन्स एन एरर, जिसमें गलती को ढूंढना। यस्टरडे यानी कि कल, पास्ट की बात कर रहा है, आई वेंट बिल्कुल सही पास्ट इंडेफिनिट टेंस, कल आई वेंट टू द स्टोर, मैं स्टोर गया एंड बाई सम ग्रोसरी, मैंने कुछ सामान खरीदा खाने पीने का, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो बाई है आपका, क्योंकि हम यहाँ पे गो का भी सेकंड फॉर्म यूज़ कर रहे हैं, हम पास्ट का सेंटेंस यूज़ कर रहे हैं, इसका मतलब जो आपकी वर्ब होगी ये बाई नहीं होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, बॉट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23 करते हैं हम, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन ईडियम इन द फॉलोइंग सेंटेंस। तो ये जो आपका ईडियम है, ठीक है, उसका हमें करेक्ट मीनिंग ढूंढना है इन चार ऑप्शन से। आफ्टर मच ऑफ एफर्ट्स, यानी कि काफ़ी एफर्ट्स के बाद, एफर्ट्स यानी कि प्रयासों के बाद, आई कुड फाइनली, मुझे फाइनली डैश एंड सक्सीड, ठीक है, हिट द नेल ऑन द हेड, तो हिट मीन्स आपको पता ही, हिट करना यानी कि किसी को मारना या निशाना साधना, ठीक है। नेल का मतलब होता है कील, ऑन द हेड यानी कि सिर पर। कुछ लोग सोचेंगे भाई सिर पर अगर कील मार देंगे तो सक्सीड कैसे होंगे, लेकिन आपने यहाँ पे पढ़ा होगा ये ईडियम है, ठीक है, यानी कि एक मुहावरा कहावत टाइप की, तो हिट द नेल ऑन द हेड, ठीक है। तो एक्सीडेंटली इंज्योर वन सेल्फ, तो बहुत सारे प्रयास करने के बाद आप खुद को, इंज्योर का मतलब होता है चोट लगना, ठीक है, घायल होना, आप खुद को घायल कर देंगे और सफलता प्राप्त कर लेंगे, ऐसा तो नहीं होता है, ठीक है। अगला है मेक एन एरर, गलती करना, तो बहुत सारे प्रयासों के बाद फाइनली आपने गलती की और आप सक्सीड हो गए, ठीक है। कभी कभी गा तो आपको सेंटेंस का मतलब भी ना पता हो, लेकिन जरा ये तो देखो सक्सीड की बात कर रहे हैं हम, तो कुछ ऐसा करेंगे ना तब हम फाइनली सक्सीड करेंगे, ठीक है, अब ऐसा थोड़ी करेंगे। लास्ट है कंप्लीट अ टास्क स्विफ्टली, यानी कि कोई काम बड़े आराम से कर लेना,
हाँ ये आपका सूट कर सकता था यहाँ पे, लेकिन क्योंकि हमें ईडियम का मतलब ढूंढना है तो हिट द नेल ऑन द हेड का मतलब क्या होता है, स्पीक और एक्ट प्रिसाइजली, प्रिसाइजली का मतलब एकदम एक्यूरेटली, ठीक है, सटीकता से, सटीकता से बोलना या काम करना। तो बहुत सारे प्रयासों के बाद उसने जो काम किया एकदम सटीक था उसका और वो सफल हुई या मैं सफल हुआ। तो हिट द नेल ऑन द हेड का मतलब क्या होता है, सही जगह निशाना साधना, निशाना इन द सेंस सही जगह एफर्ट डालना ताकि आप सक्सीड हो जाओ। जैसे मान लीजिए कोई एक स्पोर्ट्स पर्सन है, ठीक है, या कोई एक बच्चा है जिसको बचपन में ही खेलने में रुचि है लेकिन उसके पेरेंट्स उसको ये करवा रहे हैं वो करवा रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे एफर्ट करा बट नहीं हो रहा, लेकिन क्योंकि वो बचपन से ही खेलने में अच्छा तो स्पोर्ट फील्ड में गया तो फाइनली वो सक्सीड हुआ क्योंकि हिट द नेल ऑन द हेड, यानी कि अब वो उस फील्ड में है जिसमें वो प्रिसाइज, जिसमें वो सटीक है, जिसमें वो बेहतर है। दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं कि मान लीजिए आप शॉर्ट हैंड सीख रहे हैं, बहुत सारे एफर्ट कर रहे हैं लेकिन आप सक्सेस नहीं पा रहे, फिर आपको किसी ने ट्रिक्स बताई एकदम बढ़िया फाइनली, तो आप एकदम सटीक हो गए, तैयारी आप इधर उधर कर रहे थे पहले लेकिन अब आपको एक्यूरेटली पता चल गया कि मुझे ऐसा करना है तो मैं जल्दी सक्सीड हो जाऊँगा, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा हिट द नेल ऑन द हेड का मतलब। फ्रेंड्स अब हम कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 से, याद रखिएगा ये 12 अक्टूबर 2023 फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है, ठीक है, मैंने टेलीग्राम में भी शेयर किया है, तो अगर आप रिलेट करके देखना चाहते हैं तो आप उससे क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन हमारा, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड एक्सप्लिसिट। तो एक्सप्लिसिट का अगर आपको हिंदी मतलब पता होगा तो आप इसका सिनोनिम भी जान सकते हैं। तो यहाँ पे एक्सप्लिसिट का मतलब होता है प्रत्यक्ष, ठीक है, प्रत्यक्ष। फिर इसका हमें क्या ढूंढना है सिनोनिम, यानी कि पर्यायवाची शब्द। तो बाकी की भी हम बात कर लें तो ड्रूपी का मतलब होता है लटकता हुआ या फिर झुका हुआ, ठीक है, या कोई चीज़ झुकी हो तो उसको हम ड्रूपी कहेंगे। तो ये इसका मतलब प्रत्यक्ष, तो प्रत्यक्ष का ड्रूपी से कोई रिलेशन नहीं है, ना ही तो ये इसका पर्यायवाची, ना ही इसका ये विलोम शब्द है। ऑप्रेस, ऑप्रेस मीन्स होता है अत्याचार करना, ठीक है, अत्याचार करना, सप्रेस, ऑप्रेस, ठीक है, तो ये भी आपका सिनोनिम नहीं है इसका, ठीक है। फिर हार्नेस, तो हार्नेस का मतलब इसके दोष होते हैं, एक तो होता है दोहन, किसी चीज़ का बहुत मिसयूज करना, नहीं जैसे जंगलों का दोहन हो रहा है या पानी का दोहन हो रहा है, और दूसरा हार्नेस मीन्स कवच भी होता है। तो किसी भी तरीके से जो 1, 2 और 4 में ऑप्शंस हैं वो रिलेट नहीं हो रहे हैं एक्सप्लिसिट से, ऑब्वियस का मतलब भी होता है प्रत्यक्ष, ठीक है, तो ऑब्वियस और एक्सप्लिसिट आर सिनोनिम ऑफ ईच अदर। आगे बढ़ते हैं हम, सेलेक्ट द ग्रामेटिकल करेक्ट सेंटेंस। तो यहाँ पे 4 दिए गए हैं, हमें देखना है कि कौन सा सेंटेंस एकदम करेक्ट है। तो पहला पढ़ते हैं, देखते हैं क्या लिखा। वन ऑफ द मोस्ट सीरियस इश्यूज विद यंगस्टर्स इज एन एडिक्शन टू सोशल मीडिया, ओके, यानी कि जो हमारे यंग जनरेशन है, यंगस्टर्स का मतलब जो यंग जनरेशन है, तो एडिक्शन मीन्स होता है लत या आदत, ठीक है, तो उनको आदत हो गई है सोशल मीडिया की, ये एक तरह का सीरियस इशू है। वन ऑफ द मोस्ट सीरियस इशूज, वन ऑफ द के बाद जो वर्ड यूज़ होगा हमेशा प्लूरल होता है, ठीक है, जो बहुत सारे इशूज हैं उनमें से सबसे जो मेन एक खतरनाक जो इशू है, सबसे ज़्यादा सीरियस है, वो है हमारा क्या, एडिक्शन टू सोशल मीडिया, यंगस्टर का एडिक्शन टू सोशल मीडिया। एन इशू विच नीड्स अटेंशन, और एक ऐसा इशू जिसको अटेंशन यानी कि ध्यान देने की ज़रूरत है। हाँ, अब ए में क्या गलती होने की संभावना, वन ऑफ मोस्ट, देखो मैंने दा बोला था लेकिन यहाँ दा लिखा नहीं है, तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमेशा दा लगता है, तो पहला वाला सेंटेंस आपका इनकरेक्ट हो गया। दूसरा, वन ऑफ द, देखो यहाँ पे दा लगा है, सही है, वन ऑफ द मोस्ट सीरियस इशूज़ विद यंगस्टर्स इज एडिक्शन, तो एन यहाँ पे लगा था, यहाँ पे नहीं लगा है, एडिक्शन के पहले एन लगा होना चाहिए था, इज एन एडिक्शन, तो ये इसलिए गलत हो गया। तीसरा देखते हैं, वन ऑफ द मोस्ट सीरियस इशूज विद यंगस्टर्स इज एन एडिक्शन, ओके, यहाँ पे एन लगा है, टू सोशल मीडिया, ओके, इशू विच नीड्स अटेंशन, तो कौन सा इशू भाई, आ इशू, द इशू या एन इशू, तो यहाँ पे ये भी हमारा अधूरा अधूरा सेंटेंस है। अब हम चलते चौथे में, वन ऑफ द, दा भी लगा, मोस्ट सीरियस इशूज विद यंगस्टर्स, ओके, इज एन एडिक्शन टू सोशल मीडिया, राइट, एन इशू विच नीड्स अटेंशन, एक ऐसा इशू जिस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, तो फाइनली हमारा डी वाला क्या हो जाएगा, करेक्ट। आगे चलते हैं हम, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड वर्चू। तो अब वर्चू का मतलब आपको पता होना चाहिए, ठीक है, तो वर्चू का मतलब होता है गुण, ठीक, अब गुण का
गुड़ नहीं, खाने वाला गुड़ नहीं, गुण, ठीक है, जो हमारे अच्छे कैरेक्टर्स होते हैं, वर्चू, ठीक है। अब स्टाउट प्रिसाइज एक्वायर मीन्स होता है प्राप्त करना, ठीक है। तो गुण और यानी कि वर्चू का एक्वायर का कोई रिलेशन नहीं है, ना तो ये इसका सिनोनिम है ना ही इंटोनेंट। प्रिसाइज मीन्स होता है एकदम सटीक, नहीं कहते प्रिसाइज राइटिंग, मतलब एकदम नपे तुले एग्जैक्ट वर्ड्स में सटीक, तो इसका मतलब होता है क्या, सटीक या फिर हम कह सकते हैं एग्जैक्ट। फिर एक और ऑप्शन है स्टाउट, यहाँ पे स्टाउट का मतलब होता है, यहाँ पे क्या स्टाउट का मतलब होता है, बलवान या फिर साहसी। तो किसी भी तरीके से ये जो वर्चू वर्ड है यानी कि गुण, वो इन तीनों से रिलेट नहीं कर रहा। अब वाइस का मतलब होता है दोष, तो हिंदी में भी आपने पढ़ा होगा गुण का विलोम क्या होता है, दोष। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, आगे चलते हैं। द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ बीन स्प्लिट, यानी कि बिखेर दिए गए हैं, डिवाइड कर दिए गए हैं इंटू, स्प्लिट के बाद इंटू ही आता है, ठीक है, इंटू फोर सेगमेंट्स। आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर, चलिए देखते हैं। इट टेक्स मी एन आवर, ठीक है, इट टेक्स मी एन आवर, आवर के पहले एन, मतलब मुझे एक घंटे लग जाते हैं किसमें, टू गेट टू वर्क एट द मोमेंट, ठीक है, काम करने जाने में एक घंटे लग जाते हैं। बट वेन द न्यू रोड इज़ फिनिश्ड, लेकिन जब नया रास्ता बन जाएगा ना, इज फिनिश्ड पैसिव वॉइस है। अब आप कहेंगे बाई लगा, तो जरूरी नहीं पैसिव वॉइस में हर जगह बाई लगे, ठीक है। इज फिनिश्ड, इट बी मच क्विकर, तो इट बी, बी मीन्स होना, वॉट अबाउट द वर्ब, बीच में वर्ब क्यों लगाई। चलो अब हम आपको पूरा सेंटेंस समझाते हैं। सेंटेंस का कहना ये है कि मुझे एक घंटे लगते हैं काम करने जाने में, लेकिन अगर नया रोड बन जाएगा ना, तो मुझे केवल एक घंटे लगेगा, लगेगा फ्यूचर, ठीक है, तो इट विल बी मच क्विकर, तो अगर नया रोड बन जाएगा तो मेरे लिए बहुत आसान होगा, ठीक है। तो इट बी मच क्विकर जगह क्या होनी चाहिए, इट विल बी मच क्विकर। सेगमेंट दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर, आई एम श्योर दैट टाइम चेंजेस थिंग, मतलब मैं श्योर हूँ कि जो वक्त है वो चीज़ों को बदलता है। बट इट डिडंट चेंज एनीथिंग, लेकिन इसने कुछ नहीं बदला, किसके बारे में, अबाउट माई परसेप्शन ऑफ यू, तो के बारे में, अनलाइक नहीं होगा यहाँ पे। माई परसेप्शन ऑफ यू का मतलब तुम्हारे प्रति जो मेरी धारणा है, जो मेरे विचार हैं, परसेप्शन मीन्स धारणा या अवधारणा, वो वक्त ने नहीं बदली, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अबाउट, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 29, सेंटेंस और पैराग्राफ आर गिवन बिलो इन जम्बल ऑर्डर, तो सेंटेंस जो है जम्बल ऑर्डर में, हमें उनको करेक्ट ऑर्डर में रखना है, ताकि जो हमारा पैराग्राफ है वो थोड़ा कोहरेंट यानी कि सही सही लगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पंडित विद्याधर, इसमें सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि हम पहला सेंटेंस कैसे चूज़ करें, ठीक है, और कैसे पता करें किसके बाद ये आएगा, चलिए वही आपको समझाएंगे। पंडित विद्याधर भट्टाचार्य, ठीक है, अब आपको बता दें पंडित विद्याधर भट्टाचार्य आर्किटेक्ट थे जयपुर सिटी के, कंसल्टेड बाई सवाय जयसिंह दूती, ठीक है, इन्होंने कंसल्ट किया था उन्हीं से, पंडित विद्याधर भट्टाचार्य से, तब ये राजा थे जयपुर सिटी के। सेकंड ऑफ जयपुर वैन क्रिएटिंग दीज इनॉर्मस इंस्ट्रूमेंट, तो आपको इस वर्ड पे ध्यान देना चाहिए दीज, ठीक है। तो जब हम किसी के बारे में बात कर रहे हो, तो मान लीजिए दीज, तो हमें क्या पता कि दीज किसके लिए यूज़ हुआ है, इसका मतलब है दीज इनॉर्मस इंस्ट्रूमेंट, यानी कि ये जो भारी भरकम इंस्ट्रूमेंट थे उनके बारे में पहले ही बात हो चुकी है, तो ये जो सेंटेंस होगा उसके बाद आएगा। कौन से सेंटेंस के बाद आएगा, जब इंस्ट्रूमेंट की बात की जाएगी, ध्यान समझिए गई बात। अब हम देखते हैं बी, द वर्ड जंतर मंतर, यानी कि जो शब्द जंतर मंतर है, विच इन संस्कृत सिग्निफाई, जो कि संस्कृत में क्या करता है, किसके लिए यूज़ होता है, सिग्निफाई करता है किसको, इंस्ट्रूमेंट्स को और फार्मूलाज को, ठीक है। तो ये जो शब्द है हैज़ बीन करप्टेड, अब ये शब्द क्या हो गया, करप्ट हो गया है, तो भ्रष्ट नहीं, मतलब करप्शन का मतलब भ्रष्ट होता है, यानी कि अनुपयोगी हो गया है, ओके। तो अब यहाँ पे आपने देखा कि इंस्ट्रूमेंट की बात हुई, यानी कि ये जो बी सेंटेंस है, ठीक है, उसके बाद ही ए आएगा, तो ये तो आपके दिमाग में आ गया। हम ये नहीं कह रहे पहला सेंटेंस कौन होगा, लेकिन बी के बाद ए आएगा, तो अब इतना क्लियर हो गया आपको। और आप ठीक है दो और देख लेते हैं, कहीं और तो इंस्ट्रूमेंट की बात नहीं हो रही है। हिज मेजरमेंट्स ऑफ द इक्विनॉक्सिस प्रिसेशन एंड द एक्लिप्टिक्स ऑब्लिक्विटी आर हिज टू मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन टू एस्ट्रोनॉमी, तो एस्ट्रोनॉमी के क्षेत्र में इनके दो बड़े बड़े योगदान हैं। तो इक्विनॉक्सिस यानी कि ऐसा दिन जब दिन और रात बराबर होते हैं, और एक्लिप्टिक्स ऑब्लिक्विटी, ऑब्लिक्विटी का मतलब होता है झुकाव। आपने देखा होगा कि जो हमारे ग्लोब होता है ना अर्थ का, तो उसका ये जो धुरी होती है ना जिसको, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, वो तिरछी झुकी हुई है। तो इन दो, ये जो दो
एस्ट्रोनॉमिकल ठीक है कंट्रीब्यूशन है उनके, ये इक्विनॉक्सिस प्रिसेशन एंड एक्लिप्टिक ऑब्लिक्विटी, वो बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है एस्ट्रोनॉमी क्षेत्र में। एस्ट्रोनॉमी का मतलब खगोल विद्या, जो ब्रह्मांड के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। यहाँ पे भी इंस्ट्रूमेंट की बात नहीं हुई। सम्राट यंत्र, राम यंत्र एंड जय प्रकाश वर इज ऑरिजिनल क्रिएशन, अब ये भी नहीं बताया गया कि ये इंस्ट्रूमेंट हैं, इसका मतलब अब कन्फर्म हो गया कि बी के बाद क्या आएगा, ए। तुरंत देखिए बी के बाद सी ये नहीं होगा, बी के बाद ए, हाँ ये हो सकता है, इसमें भी नहीं, यानी कि हमारे पास बचे ऑप्शन 2 और 3। ठीक है, बी के बाद ये आएगा, कन्फर्म हो गया। अब हिज, अब हमें ये सोचना है कि पहला सेंटेंस कौन होगा। ठीक है, हिज मेजरमेंट, अब हिज मेजरमेंट ये भी पहला सेंटेंस नहीं होगा, क्योंकि हम हिज कब लगाएंगे, जब किसी के बारे में पहली बात कर चुके। तो पंडित विद्याधर भट्टाचार्य और सवाई जयसिंह द्वितीय के बारे में हमने सेंटेंस नंबर ए में बात की है, यानी कि ए के बाद ही ये यूज़ होगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं, मतलब ए के पहले ही आपका यूज़ नहीं हो सकता सी। और यहाँ पे देखिए ए के पहले ही सी यूज़ हो रहा है, तो आपका ये थर्ड वाला भी गलत हो गया। अब आपके पास बचा कौन कौन सा, केवल 2 बचा है। ठीक है, फिर भी हम ध्यान से पढ़ के तब फिर इस कंक्लूजन में आएंगे कि ओके बी सही है, 2 सही है। ठीक है, सम्राट हैं रामनाथ वर हिज ओरिजिनल क्रिएशन, तो यहाँ पे भी हिज लिखा है, किसका ओरिजिनल क्रिएशन, फिर यहाँ पे भी, तो सी और डी दोनों में से ही, दोनों में कोई भी सेंटेंस फर्स्ट नंबर पे नहीं आएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा, तो आप डायरेक्टली इसमें लगा सकते हैं, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे आपको समझाएंगे। तो बी द वर्ड जंतर मंतर विच इन संस्कृत सिग्निफाइज इंस्ट्रूमेंट एंड फॉर्मूलाज हैज़ बीन करप्टेड, ये जो वर्ड है ठीक है ये बिगड़ गया है, अब ये अनुपयोगी हो गया है ये वर्ड। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट के बारे में, फॉर्मूला के बारे में जंतर मंतर वर्ड डिस्क्राइब करता है। ठीक है, तो जंतर मंतर का मतलब आप समझ जाइएगा। फिर पंडित विद्याधर भट्टाचार्य वाज कंसल्टेड बाई सवाई जयसिंह द्वितीय ऑफ जयपुर, जयपुर के थे सवाई जयसिंह द्वितीय, व्हेन क्रिएटिंग दीज इनॉर्मस इंस्ट्रूमेंट, तो जब ये बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट बनाए जा रहे थे ठीक है, तो सवाई जयसिंह द्वितीय ने किसको कंसल्ट किया था, पंडित विद्याधर भट्टाचार्य। ठीक है, अब पंडित विद्याधर भट्टाचार्य ने क्या क्या बनाया होगा, सम्राट यंत्र, राम यंत्र एंड जय प्रकाश वर हिज ओरिजिनल क्रिएशन, तो इनके ओरिजिनल क्रिएशन थे। फिर इसके बाद बोला गया हिज मेजरमेंट ऑफ द इक्विनॉक्सिस प्रिसेशन एंड द एक्लिप्टिक ऑब्लिक्विटी आर हिज 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन टू एस्ट्रोनॉमी, तो एस्ट्रोनॉमी क्षेत्र में इनके 2 बड़े बड़े योगदान हैं। अब आगे चलते हैं, सेंटेंस ऑफ द पैराग्राफ आर गिवन बिलो इन जंबल्ड ऑर्डर, अरेंज द सेंटेंस इन द करेक्ट ऑर्डर टू फॉर्म अ मीनिंगफुल एंड कोहेरेंट पैराग्राफ फॉलोइंग द डिमाइस ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, डिमाइस का मतलब होता है किसी चीज़ का खत्म हो जाना। ठीक है, ठीक है, मृत्यु या खत्म हो जाना। तो जब ये इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो खत्म हो गई, तो उसके बाद आर्यन क्या हुआ, माइग्रेटेड टू इंडिया, वो इंडिया चले गए या आ गए, मतलब हम तो इंडियन हैं, इंडिया को माइग्रेट कर गए। माइग्रेट का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह चले जाना। फिर आगे देखा, देयर इज़ प्रूफ, तो यहाँ पे साक्ष्य हैं दैट आर्यन पजिस्ड अ साइंटिफिक आउटलुक, तो कई सारे साक्ष्य हैं जो यह बताते हैं कि जो आर्यंस थे, जो आर्यन लोग थे, उनका जो नज़रिया था चीज़ों को देखने का वो कैसा था, साइंटिफिक था। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ धर्म के आधार पे कोई चीज़ मान लेते थे, या क्योंकि पहले के लोग ऐसा बोले तो मान लेते थे, उनका आउटलुक कैसा था, साइंटिफिक था, वैज्ञानिक दृष्टिकोण था। दे हेल्ड, और उनका मानना था दैट द यूनिवर्स, कि जो हमारा ब्रह्मांड वाज रेगुलेटेड बाई ए नेचुरल लॉ, तो एक प्राकृतिक पावर लॉ है जिस पर काम करता है हमारा यूनिवर्स, जिसको कहते थे पंचभूताज, 5 कंपोनेंट्स। अब पंचभूताज की बात कर दी गई, तो देखो डी में 5 भूत लिखे, यानी किसी के बाद डी आएगा। ठीक है, तो कौन कौन से पंचभूत है, पृथ्वी यानी कि हार्ट, आप क्या बोलेंगे इसको, यानी कि पानी, तेजस यानी कि गर्मी, वायु यानी कि एयर एंड आकाश मतलब इसका ही, आर दीज फैक्टर, तो ये 5 भूत द्वारा पृथ्वी जो ब्रह्मांड है वो रेगुलेट होता है। तो ये अपने आप में ऑर्डर में है। ठीक है, सी के बाद डी वैसे तो यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, अब क्योंकि हम सी को फर्स्ट पे रख सकते हैं, क्योंकि दे हेल्ड, तो दे मतलब वे, तो किन्होंने किसी के बारे में बात की हुई तभी तो दी आएगा, तो सी फर्स्ट नंबर पे तो आएगा ही नहीं। सी डी एकदम सही है। ठीक है, सी के बाद ए, पंचभूताज के बारे में बात की तो सी के बाद डी आएगा, देखो यहाँ पे सी के बाद डी नहीं है, केवल यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक है, तो बी सी डी ए यानी कि बी पहले और ए लास्ट में, तो फॉलोइंग द डिमाइज, तो ये आपका सेंटेंस पहले नंबर पे ही आएगा कि जब सिंधु घाटी सभ्यता विलुप्त हो गई यानी खत्म हो गई, तो आर्यन कहाँ पे आ गए, इंडिया को आ गए,
और ये प्रूफ भी है। अब क्योंकि हम आर्यन की बात पहले ही कर चुके हैं, फिर हम आर्यन के बारे में बात कर रहे हैं कि ऐसा प्रूफ है कि आर्यन का जो आउटलुक था वो कैसा था, साइंटिफिक था। ठीक है, तो हमारा जो ए और बी सी और डी जो ऑर्डर है वो एकदम करेक्ट है। आगे चलते हैं। आइडेंटिफाई द एंटोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इन द गिवन सेंटेंस ह्यूमिलिटी। तो ह्यूमिलिटी का हमें एंटोनिम ढूंढना है। ठीक है, और हमारा एंटोनिम कहाँ पे दिया गया होगा? ओके, हाँ, इस सेंटेंस में जो ह्यूमिलिटी वर्ड आया हमें उसका विलोम शब्द बताना है। तो पहले तो हमें ह्यूमिडिटी का मतलब पता होना चाहिए। एक होता है ह्यूमिडिटी, एक होता है ह्यूमिलिटी। ह्यूमिडिटी का मतलब आर्द्रता, द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर इन द एयर। ठीक है, और ह्यूमिलिटी का मतलब क्या होता है? विनम्रता, किसी के अंदर जो विनम्रता का भाव होता है, दैट इज़ कॉल्ड ह्यूमिलिटी। अब हमें इस, चलिए अब सेंटेंस पढ़ते हैं। द लिटिल गर्ल, यानी कि छोटी बच्ची थी, वाज अम्बल, मतलब बहुत ही शांत थी, नम्र थी। एनफ टू निगेट, निगेट का मतलब नकारना, किसी चीज़ को नकारना। क्या नकारना? द आइडियोलॉजी ऑफ, आइडियोलॉजी मतलब विचार, जो कुछ बच्चों के विचार थे, उसके क्लासमेट के जो विचार थे। हुज एरोगेंस वाज इनडोमिटेबल। ठीक है, मतलब छोटी सी जो बच्ची थी वो इतनी अम्बल थी, मतलब इतनी ज़्यादा अम्बल थी कि वो जो उसके क्लासमेट थे जिनका जो बिहेवियर था, हुज एरोगेंस वाज इनडोमिटेबल। एरोगेंस का मतलब होता है अहंकार। ठीक है, और यहाँ पे एक वर्ड और आया है, इनडोमिटेबल का मतलब होता है, हुज एरोगेंस वाज इनडोमिटेबल, मतलब अदम, यानी भर भर के अहंकार था उनके अंदर। ठीक है, इनडोमिटेबल का मतलब हद से ज़्यादा जो उनके अंदर अहंकार भरा हुआ था उनके क्लासमेट, ऑफर क्लासमेट, यानी किसी एक के बारे में बात की जा रही है। लेकिन फिर भी उस बच्ची, वो बच्ची इतनी नम्र थी कि वो उसकी आइडियोलॉजी को, उसकी जो क्लासमेट थी जो इस तरीके का अहंकार था उसके अंदर, वो उसको क्या कर रही थी? नेगेट कर रही थी। ठीक है, तो आइडियोलॉजी का मतलब विचार। अब आपको समझ में आ गया होगा। अब हमें यहाँ पे ह्यूमिलिटी वर्ड का क्या ढूंढना था? एंटोनिम। तो ह्यूमिलिटी मतलब हमने बताया विनम्रता, और एरोगेंस का मतलब बताया अहंकार। तो ये जो आपका एरोगेंस वर्ड है ये करेक्ट एंटोनिम है। अम्बल मतलब नम्र विनम्र, इंडोमिटेबल का मतलब एक वर्ड निडर भी होता है और एक होता है अदम्य। ठीक है, तो यहाँ पे जो इंडोमिटेबल वर्ड यूज़ है वो नेगेटिव सेंस में यूज़ हुआ है, क्योंकि एरोगेंस के साथ यहाँ पे यूज हो रहा है, नेगेटिव मतलब किसी चीज़ को नकारना। ठीक है, समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। फिर से यहाँ पे कुछ पैराज दिए गए हैं जो कि जंबल्ड हैं, और लेकिन यहाँ पे क्या है कि एक S1 और S6 दे दिया गया है, यानी कि ये अपने सही ऑर्डर में है, बाकी चार को हमें अरेंज करना है। तो क्योंकि S1 पहले है तो ये हमारा फर्स्ट सेंटेंस होगा। तो यहाँ पे हम क्या बात करें? ओबेसिटी। ओबेसिटी यानी कि मोटापा। ठीक है, ओबेसिटी इज़ अ कंडीशन, तो एक ऐसी कंडीशन है वेयर, मतलब जहाँ द बॉडी एकोमलेट, मतलब इकट्ठा करना, एक्सेस मीन्स ज़्यादा, फैट मीन्स फैट, वसा। ठीक है, एक ऐसी कंडीशन है जब हमारी बॉडी वसा का अत्यधिक स्टोर कर लेती है, लीडिंग टू अ कंसिडरेबल इंक्रीज, और उससे क्या होता है? इन द बॉडी वेट, और हमारा बॉडी का जो वेट है वो बढ़ जाता है। ठीक है, वेट की स्पेलिंग पे ध्यान देना, WEIGST। दिस मीन्स एडवर्स हेल्थ इफेक्ट। अब दिस मीन्स क्या? ठीक है, दिस मीन्स क्या? दिस मीन्स एडवर्स इफेक्ट, इफेक्ट्स ऑन द, इफेक्ट्स मतलब प्रभाव, ऑन द पीपल ऑफ आवर कंट्री। ठीक है, तो ये हमारा जो सेंटेंस है इसके साथ तो नहीं आएगा। अभी हम मोटापे की बात कर रहे थे। ओके, अब मोटापे से क्या क्या होता है ये अभी हमने नहीं पढ़ा है, तो एडवर्स इफेक्ट के बारे में हम कैसे बात कर सकते हैं? सच एज हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज, हार्ट डिजीज, लीडिंग टू प्री मेच्योर डेथ। तो ये प्रॉब्लम होती हैं। ठीक है, तो हम सीधे मोटापे के बाद सच है इस पर नहीं आ सकते हैं। दिस मीन्स एडवर्स हेल्थ इफेक्ट, यस। तो ये जो बुरे प्रभाव है ना हमारे सेहत पर, इसके बाद हम कौन कौन से बुरे प्रभाव हैं, यानी कि ये वाले, तो ए के बाद अपना बी आएगा, नो डाउट। ठीक है, लेकिन अभी हमारा फर्स्ट सेंटेंस डिसाइड नहीं हुआ S1 के बाद। फिर आगे चलते, इट इज़ अज्यूमिंग अलार्मिंग प्रपोर्शन एवर कंट्री, यस। तो जो ओबिसिटी वाली जो प्रॉब्लम है, वो जो कंडीशन हमारे देश में, तो अलार्मिंग का मतलब एक, नहीं कहते,
अलार्मिंग प्रपोर्शन मतलब बढ़ता हुआ जो प्रपोर्शन है, जो अनुपात है हमारे देश में मोटापे का, वो बढ़ता जा रहा है। ठीक है, अलार्मिंग प्रपोर्शन यानी कि एक खतरनाक अनुपात है, बढ़ रहा है डे बाई डे। एस वन के बाद हमारा क्या आएगा, सी। हो सकता है डी भी आता है, देखते हैं। टू अवॉइड दिस लाइफ स्टाइल नीड्स टू बी चेंज, तो इसको रोकने के लिए हमारी लाइफ स्टाइल चेंज होनी चाहिए। तो सीधा हम फर्स्ट के बाद लास्ट पर नहीं आ सकते हैं, ठीक है। तो अब फिर से अरेंज करते हैं। ओबिसिटी इज़ अ कंडीशन वेयर द बॉडी एक्युमुलेट्स एक्सेस फैट, ज़्यादा फैट यानी कि वसा संग्रहित हो जाती है हमारी बॉडी में, लीडिंग टू अ कंसिडरेबल इंक्रीज इन द बॉडी वेट, और बॉडी वेट हमारा बढ़ जाता है। तो ये जो प्रॉब्लम है, इट इज़ अज्यूमिंग अलार्मिंग पॉपुलेशन इन अवर कंट्री, तो ये जो प्रॉब्लम है उसका अनुपात दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, लोग ज़्यादा ज़्यादा लोग क्या हैं, ओबेस हैं यानी कि मोटे हैं। तो एस वन के बाद हमारा हो जाएगा सी, ठीक है। इसके बाद फिर है टू अवर, सॉरी ये नहीं होगा, सच एज हाइट। अब ये जो अलार्मिंग इन कंट्री, तो ये जो सी वाला हमारा ऑप्शन है, ठीक है, इसमें हमारे देश में जो बढ़ता हुआ अनुपात है उसके बारे में बात की गई, ठीक है। अब क्योंकि लोग ज़्यादा ज़्यादा लोग मोटापे का शिकार हो रहे हैं, तो और इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि दिस मीन्स एडवर्स हेल्थ पैक ऑन द पीपल ऑफ आवर कंट्री। तो क्योंकि हम देखो यहाँ पे कंट्री की बात की गई, प्रोपोर्शन इन कंट्री, हमारे देश में लोग मोटापे का शिकार हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे देश के जो लोग हैं उनकी हेल्थ में बुरा प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है। तो सी के बाद आपका क्या हो जाएगा, ए। ओके, अब कौन से हेल्थ इफेक्ट हो रहे हैं, सच एज हाई ब्लड प्रेशर, बीपी का बढ़ना, हाई कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, डायबिटीज़ यानी कि शुगर, हार्ट डिसीज़, ठीक है, हार्ट डिसीज़ यानी कि दिल की बीमारी, लीडिंग टू प्री मैच्योर यानी कि समय से पहले ही डेथ। ओके, तो हमारा हो गया ये सी ए बी। फिर अब ये जो प्रॉब्लम है इनको अवॉइड करने के लिए, इनको रोकने के लिए लाइफ स्टाइल को बदलना ज़रूरी है, नीड्स टू बी चेंज्ड। लैक ऑफ स्पोर्ट्स, अब कौन कौन सी प्रॉब्लम है जिनकी वजह से ऐसा बढ़ा, लैक ऑफ स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स की कमी है, एक्सीडेंटल लाइफ स्टाइल यानी कि हम आलसी जीवन भी जी रहे हैं, आल्सो कंट्रीब्यूट टू हायर ओबेसिटी लेवल, और इसकी वजह से भी ओबेसिटी लेवल यानी कि जो मोटापे का लेवल है वो बढ़ रहा है। आगे बढ़ते हैं हम, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन डायरेक्ट स्पीच। माई मदर आस्क्ड मी, मेरे माँ ने मुझसे पूछा, हु इज़ द न्यू मैथमेटिक्स टीचर, नया टीचर कौन है, हु इससे स्टार्ट होगा, तो हमेशा वाज लास्ट में ही आता है। न्यू मैथमेटिक टीचर की बात कर रहे हैं, ठीक है, सिंगुलर है इसलिए वॉज लग रहा है। तो माई मदर आस्क्ड मी हु द न्यू मैथमेटिक्स टीचर वर, तो यहाँ पे वर नहीं आएगा, सिंगुलर है क्योंकि यहाँ पे मैथमेटिक्स टीचर। माई मदर आस्क्ड मी हु द न्यू मैथमेटिक्स टीचर इज, तो इस क्यों आ गए जब यहाँ पे पास्ट की बात कर रहे हैं। माई मदर आस्क्ड मी हु न्यू द मैथमेटिक टीचर वॉज, तो हु न्यू द गलत हो जाएगा, हु द न्यू, ठीक है, हु इज़ द न्यू, तो हु द न्यू, माई मदर आस्क्ड मी हु द न्यू मैथमेटिक्स टीचर वॉज। आगे बढ़ते हैं, पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैव गिवन एज ऑप्शन, मतलब पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैव बीन गिवन एज ऑप्शन, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेन एरर, तो पूरा सेंटेंस दिया हुआ है, उस पोर्शन का हमें पता करना है जिसमें गलती है। बाय द वे, तो एक बाय द वे वर्ड यूज़ करते हैं कि बाय द वे यानी कि वैसे भी, तो यहाँ पे लिखा बाय द वे अ लॉरी क्रैश्ड इनटू द कार, यानी कि रास्ते में क्या हुआ, एक लॉरी थी यानी कि सामान ले जाने वाली गाड़ी होती है, वो कार में क्या हुआ, क्रैश यानी टक्कर हो गई। बट द बॉयज़, लेकिन जो बॉयज़ थे वो लकी थे और बच गए, विद ओनली माइनर इंजरीज, थोड़ी सी उनको चोटें आईं। तो यहाँ पे बाय द वे नहीं होगा, ऑन द वे यानी कि रास्ते में क्या हुआ, रास्ते में एक लॉरी थी वो कार से टकरा गई, तो बाय द वे अ लॉरी नहीं, ऑन द वे अ लॉरी। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। कैन यू गिव हर अ बुक, क्या तुम उसको एक किताब दे सकते हो, ठीक है, हर यानी कि उसको, तो ये आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। कैन शी बी गिवन अ बुक, क्योंकि यहाँ पे कैन है तो कैन के साथ क्या लगता है, कैन बी। अब यू, तो यहाँ पे सब्जेक्ट था, तो यहाँ पे ई भी पैसे में भी वही सब्जेक्ट रहेगा, तो गलत है। कैन शी गिवन, तो शी कैन के साथ भी लगता है, यहाँ पे भी नहीं लगाया गया। कैन शी बी गिवन अ बुक बाय यू, ठीक है, तो कैन शी बी गिव, ओके यहाँ पे गिव है, थर्ड फॉर्म नहीं आया, इसलिए आपका 2, 3, 4 गलत है। फिर है यहाँ पे हमारा सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन डायरेक्ट स्पीच। द सिक्योरिटी आस्क्ड हिम हु ही वाज एंड व्हिच फ्लैट ही विश टू विजिट, तो सिक्योरिटी ने पूछा उससे कि वो कौन है और कौन से फ्लैट में वो विजिट करना चाहता है, ठीक है। द सिक्योरिटी सेड हु आर यू, विच फ्लैट यू विश्ड टू विजिट, तो यहाँ पे विश्ड नहीं आएगा क्योंकि
यहाँ पे विस्ट लिखा, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट में है तो यहाँ पे प्रेजेंट में होना चाहिए था, यहाँ पे भी पास्ट कर दिया, इसलिए गलत है आपका। द सिक्योरिटी सेड हु आर यू, विच फ्लैट डू यू विश टू विजिट, बिल्कुल सही है, पूरा प्रेजेंट में हु आर यू, यहाँ पे भी प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, यहाँ पे भी प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। द सिक्योरिटी सेड हु आर यू, विच फ्लैट आर यू विशिंग टू विजिट, तो अगर यहाँ पे आर यू होता तो यहाँ पे विस्ट नहीं आता, ठीक है। द सिक्योरिटी सेड हु आर यू, विच फ्लैट यू विश टू बी विजिटेड, तो ये तो पैसिव में बना दिया, चलिए इसलिए अपना सही है। द सिक्योरिटी सेड, सिक्योरिटी ने पूछा हु आर यू, तुम कौन हो, विच फ्लैट डू यू विश टू विजिट, और कौन सा फ्लैट तुम विजिट करना चाहते हो। द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू फोर सेगमेंट, आइडेंटिफाई सेगमेंट दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। सलमान फिनिशेस द वर्क, सलमान काम खत्म करता है विद इन आवर्स, घंटे में, बट ही डिलेज इट, लेकिन वो इसको डिले यानी कि देर करता है ये काम करने में। इफ नॉट अकम्पनीड बाई रोहित, अगर उसके साथ रोहित नहीं होगा तो वो ढीला करता है काम। इफ़ नॉट अकम्पनीड बाई, ठीक है, बाई है अकम्पनीड बाई रोहित, तो अकम्पनिंग नहीं होगा, अकम्पनी का मतलब साथ में होना, अगर उसके साथ रोहित होता है नहीं होता है तो वो लेट करता है फिर काम। आइडेंटिफाई द एंटोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इन द गिवन सेंटेंस, तो हमें विलोम शब्द ढूंढना है किसका, डाइवल्ज का, ठीक है। तो यहाँ पे आपको डाइवल्ज का अगर मतलब पता होगा तो आप इसका एंटोनिम बता सकते हैं, ठीक है। द कल्प्रिट, कल्प्रिट यानी कि जो दोषी था, ठीक, कल्प्रिट मतलब दोषी, सरप्राइज्ड एवरीवन, उसने सबको आश्चर्यचकित कर दिया, बाई ऑप्टिंग टू कंसील, उसने छुपाने की कोशिश की, द सीक्रेट एग्जीक्यूशन ऑफ हिज प्लान्स, तो जो उसने प्लान बनाए थे ना उस सीक्रेट काम करने का, वो उसने छिपा के रखे, इवन आफ्टर गेटिंग बीटन बाय द पुलिस, पुलिस ने मारा फिर भी, तो लोग सरप्राइज हुए कि भाई कैसा है ये, ठीक है। तो यहाँ पर डाइवल्स का मतलब होता है किसी चीज़ का भेद खोलना, और कंसील मीन्स होता है छिपाना, कल्प्रिट मीन्स क्या होता है दोषी, एग्जीक्यूशन मतलब किसी चीज़ को एग्जीक्यूट करना, किसी प्लान को पूरा करने के लिए प्रयास करना। ऑप्टिंग मीन्स टू ऑप्ट, ठीक है, मान लीजिए मैथ्स और बायो में आप क्या ऑप्ट करना चाहोगे, क्या लेना चाहोगे, कौन सा ऑप्शन चूज करना चाहोगे। फिर यहाँ पे है हमारा सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। ऑन 25 अगस्त 1925 द रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस डैश डैश एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, तो 25 अगस्त 1925 को जो रॉयल कमीशन था इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस पे, उसने क्या किया, सेंसेट मीन्स किसी चीज़ पर प्रतिबंध लगा देना, डिफाइन यानी कि किसी चीज़ को डिफाइन करना, तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश करने के लिए उसको डिफाइन करने की ज़रूरत क्या है, फिगर्ड यानी कि फिगर आउट करना, क्या करना क्या नहीं, तो प्रपोज्ड यानी कि अनुमति देना, ऐसा प्रपोजल दिया उन्होंने कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रस्तावित यानी कि प्रपोज्ड। चलिए आगे देखते हैं, 40 क्वेश्चन, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इनटू पैसिव, शी प्रॉमिस्ड मी अ ट्रीट, उसने प्रॉमिस किया वो मुझे एक ट्रीट देगी, प्रॉमिस ऑफ अ ट्रीट वाज गिवन बाय हर टू माय सेल्फ, ठीक है, टू माय सेल्फ क्यों, टू मी होना चाहिए था। आगे चलते हैं, यानी कि आपका गलत हो जाएगा। अब इसमें देखते हैं, आई हैव बीन प्रॉमिस्ड ट्रीट, शी प्रॉमिस्ड मी अ ट्रीट, तो यहाँ पे हैव बीन क्यों आया, हैव का तो यूज़ यहाँ पे नहीं हुआ, ट्रीट्स हैव बीन, अब ट्रीट की बात थी तो यहाँ पे प्लूरल तो बिल्कुल नहीं होगा। अ ट्रीट वाज प्रॉमिस्ड टू मी, मुझे एक ट्रीट प्रॉमिस की गई थी बाय हर यानी कि उसके द्वारा,